म्यारी साहब कब्रिस्तान में भी बड़ी तादाद में शहरियों की आमद, शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, मगफिरत की दुआएं की। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हाफिज नदीम से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं शहरियों के अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी और मगफिरत की दुआएं जारी हैं। म्यारी साहब कब्रिस्तान में भी बड़ी तादाद में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दे रहे हैं, मगफिरत के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। जिस तरह से आज नबी महरूमुल हराम है और इस वक्त तमाम लोग अपने प्यारों की कब्रों पर जाके उनकी मगफिरत के लिए दुआएं कर रहे हैं और शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर दुआएं और मगफिरत के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। म्यानी साहब कब्रिस्तान के ये मनाजिर हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त मौजूद हैं और शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी और मगफिरत की दुआएं जारी हैं। फूलों की चादर भी चढ़ाई जा रही है, फातिखानी भी की जा रही है इस मौका पर, और 9 मुहर्रम हराम के मौका पर तमाम शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर जा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं उनकी मगफिरत के लिए। और ये मनाजिर हैं म्यानी साहब कब्रिस्तान के जहाँ पे शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर दुआएं कर रहे हैं, फूलों की चादर भी चढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ फातिखानी भी कर रहे हैं। 9 मुहर्रम हराम के मौका पर इस वक्त शहर भर में सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। निकलसन रोड में भी आपको मनाजिर बताया कि मुहर्रम हराम की मरकजी मजलिस का अतिया इमाम बारगाह पहुँचा और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। इसके साथ साथ आपको म्यानी साहब कब्रिस्तान के मनाजिर से भी आगाह किया कि वहाँ पर भी तमाम शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दे रहे हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआएं भी कर रहे हैं।